बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। फेडरेशन के लोगों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की तमाम समस्याओं को दूर करने का जो वादा किया था वो अभी तक अधूरा है। इसकी विरोध में मशाल रैली निकालकर विरोध किया गया। आपको बता दें जुलूस निकाला गया। फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी कर्मचारियों की कोई भी समस्या दूर नहीं हुई और बार बार चर्चा करने के बावजूद भी कर्मचारियों की दिवाली फीकी रही। उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताइए, बीए मूलभूत अधिकार है वो लंबित रखा गया है। उन्होंने कहा था कि लिपिक और राज्य संवर्गों की जितनी भी समस्याएं हैं, वेतन विसंगति को दूर करेंगे, वो भी नहीं किए, गिरी भाड़ा भत्ता भी नहीं दिए, है ना। तो 14 सूत्री हमारी मांग है और यह प्रथम चरण है, ज्ञापन दे रहे हैं। इसके तहत जानकारी के लिए रामकुमार यादव जुड़ गए हैं। रामकुमार, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है सरकार बने, कई सारे वादे किए गए थे, दावे किए गए थे वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक तो बढ़ गया, सरकार भी आ गई, पर वादों का क्या था? जो कर्मचारी संघ फेडरेशन जो पहुंचा हुआ था कलेक्टर को ज्ञापन देने, उनका कहना था कि जब चुनाव नजदीक थे तो कई घोषणे किए गए थे, कई वादे किए गए थे, लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन कई ऐसे मांग जो है उनकी लंबित है जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। इन बातों को लेकर के जो है वो कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे ताकि उनकी बातें जो है सरकार तक पहुंचे और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है? जी बता दूं, मुख्य मांगे कई, जैसे कि उनको नियमितीकरण और पैसे को लेकर के, उनके जो तनख्वाह को लेकर के है, बढ़ाने की बात है जी, कई और भी अन्य मांगे हैं इसी तरह जी। उग्र आंदोलन की अब धमकी दी जा रही है, क्या लगता है संज्ञान में मामला लेंगे, कुछ उस पर काम किया जाएगा, इनकी मांगे पूरी की जाएंगी? जो बिल्कुल, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगे आने वाले समय में उनके द्वारा जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा और सरकार को ये जताया जाएगा कि जो कर्मचारी संघ है उनके उनके अभी तक के जो गुस्सा का है वो सामना सरकार नहीं की है, अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में काफी उग्र आंदोलन करने को वो बाध्य होंगे। उग्र आंदोलन की चेतावनी तो दे दी गई है, पर अभी कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से, बड़े अधिकारियों की ओर से, कि किस तरह से इनकी मदद की जाएगी या कुछ आश्वासन दिया हो? नहीं, कल ही ये बात की गई है, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी से या सरकार की ओर से कोई भी जो सांत्वना है अभी तक नहीं मिला है। मौके पर कोई पहुंचा इन लोगों से मिलने के लिए, इन्हें किसी तरह का आश्वासन देने के लिए? नहीं, अभी इस तरह का कोई भी आश्वासन मिला नहीं। अभी कैसा माहौल बना हुआ है वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदर्शन लगातार जा रही है, मशाल लेके हाथ में आग जला के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर लोग, लगभग कितनी संख्या में ऐसे लोग ये रैली में शामिल हो रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तक तो प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल रैली निकाल रहे हैं और उग्र आंदोलन कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में और भी लोगों की। चलिए, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। कौशलेंद्र पांडे संरक्षक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हम तस्वीरें देख रहे हैं अंबिकापुर की, जिस तरह से लगातार मांगे जो है लोगों द्वारा की जा रही है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संगठन जो है लगातार मांग कर रहा है, कई सारी मांगे इनकी हैं, आखिर मांगों पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से प्रदेश सरकार कर्मचारियों के प्रति उनका बेरुखा जो नजरिया है जी, उससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी बहुत दुखी है, क्योंकि जिस तरीके से हम कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने एक वॉरियर के रूप में कार्य किया, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे हमारे जो भी कर्मचारी साथी हैं, उनका भी सरकार ध्यान नहीं रख रही है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेके हमारे डीए पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है, सातवें वेतनमान का जो 4 किस्त में एरियर देने की बात कही गई थी उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमको जो नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलता था उस पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है। इन सब मुद्दों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी
बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल करना चाहते थे। दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि दीपावली के पूर्व हम कर्मचारियों को निश्चित रूप से उनके लंबित मांगों पर घोषणा करेंगे। फिर अब क्या कुछ कहना है, दीपावली के पूर्व की बातें कही गई थी, अब तो उग्र प्रदर्शन का उग्र आंदोलन की धमकी भी दी गई है कर्मचारियों द्वारा, अब क्या कैसा रुख रहेगा क्योंकि अब तो सड़क पर उतर आए हैं? अब प्रजातंत्र के प्रजातंत्र में हमारे पास केवल एक ही अब हथियार रह जाता है, हम सड़क पर उतर के सरकार जो कर्मचारियों के मांगों पर अनदेखी कर रही है उसके विरुद्ध हम मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। कोई मिलने पहुंचा नाके पर, इतनी बड़ी तादाद में सब आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मिलने के लिए पहुंचा, आश्वासन दिया किसी तरह का सरकार की ओर से? नहीं, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी अधिकारी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहने से अभी कतरा रहे हैं। हमारा पूरे, आपने देखा होगा, पूरे मंत्रालय में पूरे मंत्रालय को घेरा गया, डायरेक्टरेट को घेरा गया, पूरे 28 जिलों में कल मशाल जुलूस निकाला गया और हमने कलेक्टर के माध्यम से प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को अपनी बात कही है, ज्ञापन सौंपा है और यदि इस पर कुछ विचार नहीं किया जाता 10 तारीख तक तो 11 तारीख को हमने प्रत्येक जिले में श्रमिक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसमें भी यदि बात नहीं बनती है तो हम 19 तारीख को राजधानी को घेरेंगे, पूरे प्रदेश के कर्मचारी राजधानी में एकत्रित होकर और एक विशाल रैली का प्रदर्शन हम करेंगे। सरकार को जगाने का हमारा काम है, प्रजातंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने का जो हमको अधिकार है, हम अपनी मांगों कर्मचारियों के हितों के लिए प्रमुखता से आपकी परेशानियां जो है हमारे चैनल ने दिखाई है, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई यहाँ पर समाधान निकले। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रा मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है जी। अंबिकापुर की जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब कर्मचारी बस आंदोलनरत हैं, परेशान हो गए, मशाल लेके निकले हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? लंबे समय से कर्मचारियों की बहुत सारी मांग जो है सरकार के पास लंबित है और हम लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगातार ज्ञापन के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया जा रहा था कि हमारी ये मांगे लंबित हैं, लेकिन सरकार जब हमारी बात नहीं सुनी तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर के आह्वान पर पूरे कल छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने मशाल प्रदर्शन किया है और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारी ये मांग लंबित है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी मिश्रा जी, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर कि जब आश्वासन दिया गया था कि दिवाली के आसपास जो है आपकी मांगे हैं मान ली जाएंगी, तो दिवाली को भी कुछ दिन बीते हैं, तो ऐसा नहीं था कि और इंतजार करना चाहिए था या बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है, क्या सोचते हैं आप इस पर? एक्चुअली जो मांगे हैं हमारी, हम लोगों को ये विश्वास था कि दिवाली के आसपास पूर्ण करेगी, लेकिन सरकार जो है बहुत लंबे समय से केवल आश्वासन दे रही है, तब कर्मचारियों के पास एक ही मुद्दा रह गया था कि वो अपने हड़ताल के माध्यम से अपनी बातों को। चलिए, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।